लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है, बस अपने देश के लिए काम करना है एक सांसद होने के नाते। अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए। 23 अप्रैल 2022 के रोज हमारे देश के प्यारे गृह मंत्री अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म, हम लोगों का ईमान, अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे हिंदुत्व, ऐसे जैनिज्म और ऐसे अगर ईमान जागृत होके अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका जैनिज्म जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। नमो अर्यंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्यणम, नमो वजयणम, नमो लुए सव सामुनम, एसो पंच नमोकारो सव पाव फणासनो महणाणच सवसी पढ़ हवई मंगलम। मैं आपसे यही विनती करना चाहूंगी कि आज उद्धव ठाकरे जी पहले एक संगठना के प्रमुख थे, अभी आज वो एक राज्य के प्रमुख है, तो उनको जो राज्य में जितने भी धर्म के लोग रहते उनको उसमें समाविष्ट करना पड़ता है। इसके लिए किसी का कोई हिंदुत्व मरता नहीं, किसी का कोई ईमान मरता नहीं है, बस अपने देश के लिए काम करना है एक सांसद होने के नाते नवनीत राणा जी को आज महंगाई कम होने के बारे में बोलना चाहिए था, रोजगारी जो बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार देने के बारे में बोलना चाहिए था, हमारे देश को कैसे हम आगे लेके जाए, और जो लोगों की समस्या है, सबसे पहले तो मैं गृहिणी होने के नाते हमारे रसोई घर में जो एक दबाव पड़ा है बड़ा, वो दूर करने की हम बात करेंगे, हम देश हित में राष्ट्र हित में बात करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय राष्ट्र।